अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शमा कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा पाव। चलिए इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। बेल आइकन प्रेस करने से हमारी जो न्यू वीडियो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पुदीना लिया है, हरी मिर्च, दो प्याज और एक टमाटर। यहाँ मैंने सारे चीज़ों को चॉप कर लिया है। मैंने तीन अंडे लिए हैं। अब मैं एक बाउल में डालूंगी तीन अंडे। अंडे में डाल दूंगी सारे वेजिटेबल को, हाफ टेबल स्पून चिली पाउडर और हाफ टेबल स्पून नमक डाल दूंगी, और हाफ टेबल स्पून चाट मसाला और हाफ टेबल स्पून पिसी हुई धनिया। अब इसे अच्छे से हम बीट कर लेंगे, फेंट लें अच्छे से आप इसे। मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे ग्रीस करेंगे ब्रश की हेल्प से। यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अंडा का बैटर, इसे स्लो फ्लेम में फ्राई करें। यहाँ एक साइड से अंडा हो चुका है फ्राई, मैं इसे पलट दूँगी। अंडा फ्राई होकर रेडी है, इसे मैं फोल्ड कर लूँगी दोनों साइड से और इसे पैन के एक साइड में मैं रख दूँगी। अब मैं पैन में डालूंगी बटर, बटर को ग्रीस करें पैन में, और इसमें मैं डाल दूंगी पाव। पाव को बटर में सेक लें अच्छे से, चम्मच से दबा लें, दोनों साइड से इसे सेक लें। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चटनी यानी ग्रीन सॉस, चिली सॉस और टमाटो सॉस डाल दूंगी। अब मैं अंडा को पिज़्ज़ा कटर से इसकी चार पीसेस कर लूंगी। अब मैं अंडा को पाव में रख दूंगी और बंद कर दूंगी। यहाँ हमारा अंडा पाव बन करके रेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।